ये सब लोग भले ही तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं कभी नहीं माफ करूंगी। तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी। हाँ ज्वाला बहन, अब आप मुझे जेल ही भेज दीजिए। हम मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई मुझे नहीं अपनाएगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरे लिए जेल ही ठीक है। गुलाबो, गुलाबो तुम ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ, वकील है ना? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो कुड़ी हसी तो पसी, कोई एतराज नहीं है कुड़ी को, अभी गोकुल धाम में फर्स्ट क्लास बनेंगी चुनाइया। क्या बात है थोड़ी? अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी करवा देते हैं, क्यों टप्पू के पापा? मैं तो कहता हूँ गुलाबो की जल्द से शादी करवाओ। जेठा भाई, जब मैंने गुलाबो को पहली बार कोर्ट में देखा था तो तभी मुझे गुलाबो से प्यार हो गया था। ऑर्डर 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 ले बोलो। और गुलाबों को देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा। इसीलिए मैं चाहता था कि गुलाबों ये केस हार जाए, क्योंकि गुलाबों की हार में मेरी जीत छुपी हुई थी। तो आपकी हो गई ना जीत। दया बहन, आप कितनी अच्छी हैं। अली गुलाबो, तुम्हारे मटकुंडा में तुम्हारे जैसी चंपा, चमेली, मोगरा हो तो हमारे पोपट भाई के लिए जरूर देखना। सुशील, गुणवान, पढ़ी लिखी, मॉडर्न और दो चार गुण कम हुए तो भी चलेगा, बस लड़की होनी चाहिए। मेरा मतलब है अच्छी लड़की होनी चाहिए। अरे पोपटलाल, ऐसे बोलोगे अच्छी औरत होनी चाहिए। चलो ये शादी का सामान आ गया, मंडप तैयार है, दूल्हा दुल्हन भी तैयार है, तो फटाफट इनकी शादी करवा देते हैं भाई। किसी भाई की भी शादी में देर नहीं होनी चाहिए। मोहन भाई, आप जल्दी से अपने परिवार वालों को बुला लीजिए। किसको बुलाऊं? गुलाबों की तरह मैं भी अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। अरे भाई, उदास क्यों होते हो मोहन प्यारे जी? गोकुलधाम वालों को अपना परिवार ही समझो। बराबर है। मैं तो गुलाबो, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा, पर ये हमारे गोकुलधाम वासी भारत ही बनेंगे। गुलाबो, तुम जब चाहो तब हमारे घर पर आ सकती हो, टप्पू के पापा की बहन बनकर। दया बहन, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। कहां मैं आपका संसार बिगाड़ने आई थी और आपने मेरा संसार बसा दिया। गुलाबो, ये गोकुलधाम है, यह सब परिवार मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं। यह दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। बिल्कुल। और चलो जी, करो शादी की तैयारी और बजाओ शहनाई। अरे वाह मोहन प्यारे जी, ये दूल्हे के कपड़े में तो आप एकदम प्यारे मोहन लग रहे हैं। मोहन भी लग रहे हो और प्यारे भी। सही बात है बेटा।
वाकई दुनिया का पहला ऐसा केस है जिसमें वकील को फीस के साथ दुल्हन भी मिल रही है। मैं मोहन प्यारे जी बहुत लकी हो, बहुत लकी। ओबू, तू इतना दुखी क्यों है यार? कहाँ दुखी हूँ मैं भाई, बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, लेकिन फीस मिली कहाँ है? हाँ तो केस भी तुम कहाँ जीते हो? सही बात है, केस तो जेठा भाई जीते है ना। हाँ, और इन्होंने तो गुलाबों को जीता है। प्यारे मोहन, तेरी प्यारी दुल्हन आ गई, अब गुलाबों पर जाएगी। आ जाओ जी, आ जाओ। ओहो, मोहन भाई तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें ही देख रहे थे। मैं शादी नहीं कर सकती। अरे अब क्या हुआ गुलाबो? मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी आपके साथ हो। क्या यह संभव है देवी? ये गुलाबड़ी तू जंतम बोले छे। टप्पू के पापा ये क्या बोल रही है? हमारी समझ के बाहर है माते। वापस संन्यास मत जाइए, लौट आइए। कैसे? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मेरी शादी के साथ साथ आपकी और दिया बहन की भी शादी हो। अच्छा ऐसे? ओ, मैं वापस आ गया बस। वेलकम, आपका स्वागत है। लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है। मेरे को पता है जेठा भाई, लेकिन मैं आपकी शादी तोड़ने आई थी, और इस बात का मेरे को अभी भी बहुत अफसोस है। अरे अभी क्यों अफसोस कर रही हो गुलाबो, हम सबने मिलकर तुमको माफ तो कर दिया ना। नहीं, मेरी माफी तभी होगी जब आप दोनों फिर से शादी करेंगे, तो आप दोनों के वैवाहिक जीवन को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। और अगर आप दोनों शादी नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों भी शादी नहीं करेंगे। क्यों साहिबा? हाँ हाँ जेठा जी, आज है ना मुहूर्त बहुत अच्छा है, अगर आज शादी की तो जन्मों जन्म का साथ रहेगा। इनकी बात बिल्कुल सही है, आज शादी के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। हाँ पापा मम्मी, आप फिर से शादी करो, मजा आएगा। टप्पू पापा प्लीज, इसी बहाने मुझे आपकी शादी देखने का मौका मिलेगा। सेठ जी, टप्पू सेठ का मान रख लीजिए, प्लीज डू द नीडफुल। हाँ सेठ जी, हम भी कितने टाइम से किसी अपने की बारात में नहीं गए। अरे भाई, तू किसी अपने की शादी में नहीं गया, इसलिए मैं दोबारा शादी कर लूं? और बिल्कुल बेटा प्रा, और मंडप तैयार है, और बराती नाचने को तैयार है, तो आप फटाफट तैयार हो गए आ जाते हैं पापी के साथ। अरे सोडी, मेहता साहब समझाए सबको, क्या बोल रहे सब? अरे भाई जेठालाल, क्या समझाऊं मैं इन लोगों को, ये कोई गलत बात नहीं कर रहे। अरे भाई, जब खुद की बीवी से शादी करनी है तो इसमें काहे की शर्म है? सही बात है, मौका भी है, मौसम भी, और मुहूर्त भी, दस्तूर नहीं मुहूर्त। कर लो कर लो जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ कर लो भाई। जेठिया कर ले शादी। दया, बापूजी की बात तो माननी चाहिए ना। लेकिन शादी के कपड़े? चिंता मत कीजिए, मैंने हमारी शादी के कपड़े अभी तक संभाल कर रखे हैं। अच्छा,
वाह वाह वाह, इस खुशखबरी पे शनाई वाला बजाओ शनाई। शादी में इनको ही बुलाऊंगा शहनाई बजाने के लिए। किसकी? अरे मेरी भाई, और किसकी? ओ है क्या ना? चलिए। दया, इसमें तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, शेरवानी भी बहुत टाइट हो गई है। तो आप एक काम कीजिए, पेट को आप ऐसे अंदर दबा कर रखिए। कितनी देर तक ऐसे अंदर दबा के रखूंगा? ऐसा लग रहा है शेरवानी पहन के मैं योगा कर रहा हूँ ऐसा। देखिए, जितनी देर हो सके उतनी देर रखिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। मस्त लग रहा है, चलियो। वो देखिए दूल्हा दुल्हन आ गए। ओहो जेठा भरा दुल्हन, तेलतेया भाभी दुल्हन बन के आ गए। क्या बात है, क्या दुल्हन लग रहे यार। महाराज महाराज, जेठा भरा की जय हो। अरे माय गॉड, थैंक यू बबीता जी, अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। बेटिया, आहा भाई जेठालाल, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। वाह मम्मी, वाह पापा। मम्मी तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पापा आप तो राजा लग रहे हो, राजा। थैंक यू बेटा। क्या बात है दया भाभी, साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी लग रहे हैं, है ना? रज अति सुंदर। मैं तो कहती हूँ काला टीका लगा देना चाहिए। हाँ, किसी की नजर ना लगे। हाँ, करज। ओहो, देखो तो दुल्हन कैसे शर्मा रही है। अरे दूल्हा भी तो शर्मा रहा है। मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ यार भाई? शर्मा तो रहे हो ये टाइट कपड़ों की वजह से। यार भाई, ये कपड़े मेरी शादी के टाइम के हैं, तभी इतने सालों के बाद थोड़ा वजन तो बढ़ेगा ही ना बबीता जी। और जेठा भरा, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, खाते पीते घर के लोगों के साथ ऐसा होता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देखो बराबर है सोड़ी, खासकर जलेबी फाफड़ा खाने वाले लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। अरे भाई वजन वजन पे तो हम बाद में भी डिस्कशन कर लेंगे, अभी चलो मुहूर्त बीता जा रहा है, चलो चलो। मंगलम भगवान बाहर से आए हुए लोगों की शादी करवा रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। चलो वो भी ठीक है, अरे जिसकी एक बार शादी हो चुकी है वो दूसरी बार शादी कर रहे हैं। दया बाबूजी, हाँ खुश रहो, भगवान करे तुम दोनों के जीवन में कभी कोई मुसीबत ना आए, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते रहो।
खुश रहो। भगवान करे आसमान में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा खुशियां तुम्हारे जीवन में भर जाए। क्या बात। दया बहन, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने तो मेरी जिंदगी बना दी। मैं तो यहाँ बर्बादी का तूफान बनकर आई थी और आपने मेरी जिंदगी आबाद कर दी। एक कुमारी कन्या को आपने दुल्हन बना दिया। सच में दया बहन, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबो बहन, समंदर में जितना पानी है उतना आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता रहे। सिर्फ प्यार बढ़ता ही ना रहे, मैं तो कहता हूँ आप दोनों के जीवन में प्यार की बहार आ जाए। अब हमारे साथ एक फैमिली फोटो हो जाए। जरूर। माता जी, आपकी इजाजत और आपके आशीर्वाद से मैं अपनी पत्नी को अपने घर लेकर जाऊं। हाँ हाँ, खुशी खुशी लेकर जाओ। और बेटा मोहन, अब गुलाबो मेरी बेटी है, उसका ध्यान रखना। कोई भी कंप्लेन आई ना तो कोई केस वेस नहीं होगा और सीधे फैसला होगा। ओ कमल सोड़ी भाई, पहले ही दिन दूल्हे को डरा रहे हो। ओ कमल भाभी, डरा नहीं रहा हूँ, प्यार करना सिखा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं गुलाबो का पूरा ध्यान रखूंगा। देखो गुड। ओ मोहन परा, गुलाबो पर जाए जी, चलो जी चलो। और सोडी आपको छोड़ देता है पैदल। यार कमाल कर रहा तू, और सोडी की बड़ी प्यारी गड्डी है बिल्ला रानी, उस पे चलो चलो। अच्छा हम लोग चलते हैं, आप लोगों की बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। तुम भी दया बहन, इनका ध्यान रखना। चलो बाय 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 बाय। वो थोड़ी आराम से, आराम ना रहे यार, आराम ना रहे। चलो मिलते हैं, आ जाओ। चलो बाय। मोहन प्यारे की भी शादी हो गई। काश मैं पत्रकार की जगह वकील बना होता। भाई जेठालाल, शादी तो हो गई, अब रिसेप्शन का क्या है? सही बात है। हाँ हाँ जरूर, रिसेप्शन में जरूर होगा, लेकिन फिर आप सबको हमें गिफ्ट भी देनी पड़ेगी भाई। अच्छा, मतलब अच्छे से अच्छे गिफ्ट देंगे भाई? जेठालाल गिफ्ट मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबके सामने ये जाहिर करता हूँ कि जेठालाल और दया भाभी घूमने जाएंगे और पूरा खर्चा गोकुलम सोसाइटी करेगी। वाह क्या बात है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, भीड़ है तू भी क्या, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। अरे मोहब्बत में मजाक नहीं होती जेठालाल, गिफ्ट तो लेनी पड़ेगी। हाँ ले लो। हाँ जेठा भाई प्लीज ले लीजिए। आप लोग आज लगता है मुझे रुला के ही छोड़ोगे। अरे कलयुग में सगे रिश्तेदार भी साथ नहीं देते, ऐसा साथ आप सब ने मुझे दिया है, और ऊपर से अभी है गिफ्ट। अरे जेठालाल, हम क्या सगे रिश्तेदारों से कम है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आमतौर पर इंसान सोसाइटी और समाज के डर से ज्यादा हार जाता है, लेकिन आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है उसकी वजह से एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं और मेरा परिवार अकेले पड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। जेठा भाई रुलाओगे क्या? आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अब ये गड़ा परिवार नहीं बड़ा परिवार है। ओहो, क्या है। चलो भाई जेठालाल और दया भाभी की फिर से शादी के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। अभिनंदन अभिनंदन।
आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया मेहता साहब को, बिना दिवाली के पटाखे क्यों छोड़ रहे? भाई दिवाली का तो माहौल है क्योंकि मेरा परम मित्र जेठालाल, जिसके जीवन में पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबत आई थी, आखिरकार वो मुसीबत टल गई। क्षमा वीरस्य भूषणम, आप लोगों ने सुना होगा, और हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी भी इसी में विश्वास करते हैं, इसीलिए तो हमने गुलाबों को क्षमा कर दिया, उसका विवाह प्यारे मोहन के साथ करवा दिया, मोहन प्यारे के साथ करवा दिया, और चंपक चाचा ने कन्यादान भी कर दिया। भाई हमारी सोसाइटी है वो बड़े सकारात्मक ढंग से सोचती है, हमारा दृष्टिकोण बड़ा सकारात्मक है, हम गुलाब के फूल में भी सिर्फ खुशबू ढूंढते हैं, कांटे कभी नहीं ढूंढते, इसीलिए सोसाइटी एक परिवार है। कुल मिला के हम सभी की खुशियां लौट आए। अभी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जेठालाल के जीवन में और मुसीबत ना आए, जेठालाल और दया भाभी का पारिवारिक जीवन ऐसा ही सुखमय चलता रहे, और आपके घरों में हंसी बनी रहे, और आपके घरों में हंसी बनी रहेगी क्योंकि आप देखते रहेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।